बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स का आज हम लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे और इंतहाई अहम लेक्चर है। इसमें कम से कम FPSC PPSC के हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो ये क्वेश्चन जिस नौयत के आते हैं मैं वो हाईलाइट करता जाऊँगा, आप अपने पॉइंट्स नोट कर लें या उनको जहन नशीन कर लें। तो इंशाल्लाह आपके हर एग्ज़ाम में इस लेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। और ये लेक्चर की खसूसियत है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे देगा ग्लेशियर, रिवर्स और कैनल्स के मुतालिक। तो इस सबक को आप हमारी एकेडमी की तरफ से एज ए डेमो लेक्चर लें। हम जितने भी आपके FPSC PPSC के 1 पेपर MCQs होते हैं उनके कंसेप्चुअल तैयारी इस तरीके से करवाते हैं कि चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएँ, उसका पूरा फिनोमेना भी समझाया जाए और फिर उसमें से जो सवाल पूछा जाए आप इजीली उसका आंसर कर सकें। क्योंकि MCQs पैटर्न की बुक्स पे कभी भी धोखा मत खाएं, उनके MCQs कभी ना याद होते हैं ना आप दूसरे लोगों से कम्पीट कर सकते हैं। तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की जाएँ वो आप जो है उनको पॉइंट्स को नोट करते रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस लेसन से कर सकें। तो ग्लेशियर की सबसे पहले तारीफ आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर होता क्या है। तो पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है ग्लेशियर कहलाती है। इनफैक्ट होता क्या है कि जब सतह समंदर से हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों पर मौसम ठंडा हो जाता है। तो सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और पहली वाली बर्फ़ पिघलती नहीं है तो दूसरी और बर्फ़बारी हो जाती है और जो नीचे वाली सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ठंडी हो जाती है कि वो जम जाती है। और जब उन पे और ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू कर देती हैं क्योंकि वो इतनी सॉलिड नहीं होती जितना कि पहाड़ होते हैं। तो जब वो सिरकती हैं तो वो जाके दरियाओं में या वादियों में जैसे गिरती हैं तो वो पानी, जब मौसम गर्म होते हैं तो पानी जब बनता है तो वो दरियाओं की शक्ल और नदी नालों की शक्ल बनते हुए इकट्ठे होते होते दरियाओं की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो इनफैक्ट ग्लेशियर क्या है, ये सोर्स हैं जहाँ से दरियाओं का पानी इकट्ठा होकर दरियाओं में आता है और दरिया बहना शुरू होते हैं। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि दरिया शुरू कैसे होते हैं। ये पहाड़ी उन सिलसिलों से शुरू होते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और मौसम गर्मा आने पर उनकी पिघलने की वजह से वो पानी इकट्ठा होकर रास्ता जब अपनाता है तो दरिया कहलाते हैं। ज़्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फ़बारी से ग्लेशियर बनते हैं। मुसलसल बर्फ़ के जमे हुए होने से नीचे वाली बर्फ़ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ सिरकना शुरू कर देती है जिससे ग्लेशियर हरकत करता है। पाकिस्तान नीम हारी आबो हवा के खित्ते में वाक़ है। नीमारी का मतलब है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है इस इलाके में। यहाँ आमतौर पर ज़्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाके हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। तमाम साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं जिनमें सियाचिन, बालतोरो, ब्याफो, बतोरा और हिस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर हैं। तो सबसे पहला जो ग्लेशियर सबसे बड़ा भी है सियाचिन ग्लेशियर। और इसका नाम क्या है, इस नाम की वजह क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। सियाचिन बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगली गुलाब के हैं। इस ग्लेशियर पर यह पौधा ज़्यादा उगता है इसलिए बल्ती लोग उसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। ये सिलसिला कराक्रम में वाक़ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, एक तो इसका मतलब, इसकी लंबाई और ये सिलसिला कहाँ पे वाक़ है, ये कराक्रम में है और इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा ग्लेशियर बालतोरो ग्लेशियर है। बालतोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़ है। तो ये भी आपने याद रखना कि ये बल्तिस्तान में है। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। मशहूर ज़माना K2 पहाड़ भी इसी ग्लेशियर में वाक़ है। तो ये भी आपने याद रखना है कि K2 का पहाड़ जो है ये किस ग्लेशियर में है, ये बालतोरो ग्लेशियर में है।
बरालदू का रिवर यानी कि बरालदू रिवर इस ग्लेशियर से निकलता है जो दरियाए सिंध में गिरता है। सकरदू शहर से इस ग्लेशियर तक एक्सेस की जा सकती है, पहुंचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लेशियर है वो है बतौरा ग्लेशियर। बतौरा ग्लेशियर 54 किलोमीटर लंबा है। ये वादी गोजल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। तो ये याद रखना है कि ये बतौरा ग्लेशियर जो है इसकी लंबाई 54 किलोमीटर और ये वादी गोजल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लेशियर है वो है ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर कराक्रम के पहाड़ों में वाक़ है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। ये हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है जो कि वादी हमजा में वाक़ है। और यहाँ पे अहम सवाल जो आपको पता होना चाहिए, ग्लेशियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ताज़ा पानी का एक सबसे बड़ा सोर्स है, ज़रिया है। तो हिस्पर ग्लेशियर जो है, हिस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़ है। ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। तो इस ग्लेशियर से जो दरिया निकलता है उसको दरियाए हिस्पर कहते हैं। ग्लेशियर की अहमियत क्या है, हम किस लिहाज से इससे फ़ायदा उठाते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ग्लेशियर्स की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स क्या है। पाकिस्तान में कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं इन ही ग्लेशियर्स के मरहूने मिन्नत हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें वजूद में आ गई हैं जो कि मकामी आबादी की पानी की ज़रूरत को पूरा करती हैं। इन झीलों में सैफल मलूक, शंदोरा और सतपारा अहम हैसियत रखती हैं। इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाके सेहत के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद आबी हयात की परवरिश के लिए भी हेल्पफुल हैं। इसके बाद रिवर्स जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मुआविन दरियाओं को, जो कि सूबह पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि हमारे मुल्क की ज़मीन को सिराब करते हैं। तो दरियाओं के निज़ाम को समझने के लिए सिर्फ आपको एक दरिया याद रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये दरियाओं का निज़ाम जो है आपको समझ में नहीं आएगा। एक दरिया को याद रखें, दरियाए सिंध। अब दरियाए सिंध आप ये समझें कि पाकिस्तान में सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है। अब हर जगह पे ये सेंटर से नहीं गुजर रहा, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए एक टिप बता रहा हूँ कि ये सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो शुमाल जनूब की तरफ है। यानी कि इन दरियाओं की डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो शुमाल जनूब की तरफ मैक्सिमम, सिवाय एक आधे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, जिनको आपने याद भी रखना होगा। तो दरियाए सिंध शुमाल से जनूब की तरफ बहता है, और जब शुमाल से जनूब की तरफ आप एक नक्शा बनाएं, शुमाल से जनूब की तरफ एक लाइन ड्रा करते हैं, तो हमारे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो मशरिक हो जाती है और नीचे वाली मगरिब हो जाती है। तो कुछ दरिया जो हैं दरियाए सिंध के मशरिक से इसको लिंक कर रहे हैं, उनको मशरकी आप दरिया याद रखेंगे, और कुछ दरिया जो हैं वो सिंध में जो दरियाए सिंध में फाल करते हैं वो मगरिब से होते हुए इसमें फाल करते हैं। यानी कि उनकी डायरेक्शन मगरिब से जनूब की होता है, और जो मशरक वाले हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो मशरक और शुमाल से जनूब की तरफ होती है। यानी कि मगरिब से जनूब, शुमाल मशरक और शुमाल से जनूब, तो ये थोड़ी सी उनकी ट्विल्टिंग होती है। मतलब डायरेक्टली आप मगरिब से जनूब नहीं कह सकते, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये मगरिब शुमाल जनूब की तरफ होता है, यानी कि मगरिब से होते हुए शुमाल जनूब उनकी डायरेक्शन होती है, जनूब और मशरक की तरफ डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो मशरक की तरफ भी मूव करते हैं और जनूब की तरफ भी जाते हैं, और अल्टीमेटली सिंध को लिंक करते हैं। जो मशरक की तरफ से आ रहे होते हैं वो मशरकी इलाके से होते हुए उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मगरिब की तरफ भी ट्विल्ट होते हैं और जनूब की तरफ भी जाते हैं। यानी कि वो बहते बहते दरिया सिंध के साथ, जो कि सेंटर में बह रहा है, उसके साथ लिंक कर लेते हैं। आगे चल के हम ये मैप में आपको ज़्यादा एलैबोरेट कर देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर एक हमारे चैनल पर एक और भी लेक्चर मौजूद है दरियाओं के निज़ाम पे, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा
अच्छा आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने दरियाए सिंध को पढ़ना है, जो कि मेन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए लिंक बनता है। दरियाए सिंध और इसके मोहम्मद, यानी कि दरियाए सिंध मेन है और इसको जो सपोर्ट करते हैं, जो इसके साथ जुड़ते जाते हैं, उनके बारे में हमने देखना है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, ये भी एक MCQ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सिराब करता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है, तो आपने ये याद रखना है कि दरियाए सिंध तिब्बत के इलाके से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। तो ये भी सवाल आता है कि दरियाए सिंध जो है किस जो पॉइंट पे ये पंजाब में दाखिल होता है, तो ये अटक का इलाका है जहाँ से ये अटक के मकाम से ये पंजाब में दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये शुमाल से जनूब की तरफ बहता है, शुमाल से जनूब की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दरियाए सिंध की डायरेक्शन आपने ये याद रखनी कि शुमाल से जनूब एक लाइन। मिठन कोट के मकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया दरियाए सिंध में मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत बार आता है। मिठन कोट वो मकाम है जहाँ पे बाकी सारे दरिया दरियाए सिंध के साथ मिल जाते हैं। यहाँ से दरियाए सिंध जनूब की तरफ बहता है, यहाँ से दरियाए सिंध जो है जनूब की तरफ बहता है और सूबा सिंध से गुजरकर बहरा अरब में जा गिरता है। तो अल्टीमेटली बहरा अरब ही जो है वो पाकिस्तान का जिस जो साहिल है कराची से, तो वो बहरा अरब ही है, उस पर ये जाके अल्टीमेटली लिंक करता है। और जब आप कराची में कभी जाएं तो ज़रूर देखें कि दरियाए सिंध उधर जाके एक नाले की हैसियत अख्तियार कर लेता है, तो पानी बहुत खुश्क हो चुका होता है क्योंकि इसका पानी डिवाइड हो चुका होता है। तो जब सैलाब आते हैं तो गहनी होती है, गर्मी का मौसम में ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो उस वक्त ये बहुत बहता है। अच्छा, ये दरियाए सिंध के बहुत से मोहम्मद दरिया हैं जो उसे दाएं और बाएं अतराफ़ से आकर मिलते हैं, दाएं और बाएं अतराफ़ से आकर मिलते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन दरियाए सिंध के ऊपर खड़े हो जाएं, शुमाल से जनूब की तरफ ये मूव कर रहा है, तो आपका मुँह अगर जनूब की तरफ होगा तो लेफ़्ट वाली साइड पर मशरक़ वाले दरिया होंगे और राइट वाले जो हाथ आपका है उससे जो दरिया लिंक कर रहे हैं वो मगरिब से लिंक कर रहे होंगे सिंध को। तो आपने ये गौर करना है, जो जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करते जाना है, तो इंशाल्लाह ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाएं तरफ से मिलाने वाले दरिया क्योंकि ज़्यादातर मशरक़ की तरफ से आते हैं, इसलिए उन्हें मशरक़ी मोहम्मद दरिया भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दरिया के मशरक़ी मोहम्मद दरिया हैं उनके बारे में देखना है। दरिया के मशरक़ी मोहम्मद यानी कि जो आपके लेफ़्ट साइड पे थे, आप जब डायरेक्शन शुमाल से जनूब की तरफ करके खड़े हैं, तो दरिया रावी सबसे बड़ा है, सॉरी पहला है, छोटा है बड़ा तो मैं इसलिए कह गया हूँ कि ये पहले नंबर पे आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा है क्योंकि इसका पानी इंडिया के हिस्से में आता है, वो भी आगे चल के ये सिंध तास मोहित के बारे में आपको बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। दरिया सिंध सबसे बड़ा पाकिस्तान का दरिया है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया रावी इंडिया के हिस्से में उसका पानी आता है सिंध तास मोहित के बाद, तो इस वजह से उसका पानी उनकी नहरों में चला जाता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान के हिस्से में इसमें पानी इतना नहीं आता और इन दरियाओं में पानी जो है वो मोहम्मद दरियाओं से छोड़ा जाता है ताकि इनमें भी पानी बहता रहे और जिन इलाकों से गुजरता है वो भी सिराब होते रहें। तो दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है, ये याद रखना है आपने कि दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ये दरिया भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। तो दरिया रावी, आप लाहौर में कभी जाएं तो जो लाहौर में एंटर होने से पहले, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाएं तो लाहौर में एंटर होने से पहले आपको जो दरिया नज़र आता है, समटाइम पानी होता है समटाइम नहीं होता, तो ये वो दरिया रावी है। तो लाहौर में तो ज़्यादातर गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है, एक निकासी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरिया रावी के किनारे पर है, तो कभी ये भी सवाल आया कि लाहौर जो है वो किस दरिया के किनारे पर है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए रावी है। तो ये जो एक क्या आप जानते हैं 1960 में सिंध तास मुआहदा हुआ जिसके तहत तीन दरिया यानी कि सिंध चनाब और जेलम का पाकिस्तान के हिस्से में पानी आता है और तीन दरिया जो है रावी सतलज और ब्यास का पानी जो है वो भारत के हिस्से में आता है। अच्छा, रावी के बाद दरिया सतलज है, इसका पानी भी इंडिया के हिस्से में है। दरिया सतलज को हिमालय से निकलता है, तो ये इसका सोर्स भी आपको पता होना चाहिए और भारतीय इलाकों से बहता हुआ सुलेमानकी के नज़दीक, तो ये किस जगह पे पंजाब में दाखिल होता है, सुलेमानकी के नज़दीक सुबह पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ
पंजाब के बाकी दरियाओं से मिल जाता है। इसके बाद है तीसरे नंबर पे दरियाए चनाब जो मशरक़ वाली साइड पे हैं, जो सिंध को लिंक करते हैं दरिया सिंध को। दरियाए चनाब को हिमालया से निकलकर मराला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी कि ये को हिमालया से एक तो निकलता है और दूसरे नंबर पे ये मराला के मकाम पर पंजाब से मिलता है। त्रिमू के नज़दीक दरियाए जेलम और दरियाए चनाब आपस में मिलते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है कि त्रिमू वो मकाम है जहाँ पर दरियाए चनाब और दरियाए जेलम आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद दरियाए जेलम कश्मीर की वादी से निकलता है, तो ये भी आपने याद रखना है कि कश्मीर से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। तो ये जहाँ पे पंजाब के साथ लिंक कर रहे होते हैं तो ये मकाम पे भी सवाल आते हैं, तो ये आपको कंफर्म होने चाहिए। दरियाए जेलम कश्मीर की वादी से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। और यहाँ पर एक ज़रूरी अहम मालूम जो दोआब की तारीफ है वो आपको पता होना चाहिए। दो दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं, यानी कि एक दरिया बह रहा है और दूसरा दरिया बह रहा है, उन दोनों के दरमियान में जो ज़मीन का टुकड़ा होगा, खित्ता होगा, इलाका होगा, उसको दोआबा कहते हैं। पाकिस्तान में कई दोआबे हैं, यानी कि हर दो दरियाओं के दरमियान में जो इलाका है उसको दोआबा का नाम दिया जाता है। बारी दोआब के इलाके के एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ सतलज बहता है, तो ये आपको बारी दोआब के बारे में पता होना चाहिए। एक तरफ रावी है और दूसरी तरफ सतलज है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान रचना दोआब है, तो रचना दोआब जो है दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान में है। चनाब और दरियाए जेलम के दरमियान चच दोआब है। चच दोआब कौन सा है? जो चनाब और जेलम के दरमियान में वाक़ है। और दरियाए जेलम और दरियाए सिंध के दरमियान सिंध सागर दोआब है। सिंध सागर दोआब जो है दरिया जेलम और दरिया सिंध के दरमियान में। तो ये आपको चारों दोआबे जो हैं मशहूर, ये याद आने चाहिए, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये है वो मैप जिससे आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं कि पाकिस्तान में दरियाओं का, ये सिंध का, ये सिंध रिवर है, ये मेन लाइन आपने याद रखनी, जो रेड लाइन में मैं ड्रा कर रहा हूँ, इधर उधर जो लाइन ड्रा हो रही है तो आप थोड़ा सा उससे गुजारा कीजिएगा। तो ये दरिया है। अब हमारे पास दो साइडें होंगी, एक मगरब वाली साइड और एक मशरक वाली साइड। तो ये जो मशरक वाली साइड है ये सतलज है, ये रावी है, ये चनाब है, ये जेलम है, ये सोन है। और जो हमारी मगरब वाली साइड है ये सवात है, ये काबल है और ये गोमल रिवर है। और ये गोमल का मकाम है और ये जूब रिवर है। तो ये जूब एक वाहिद ऐसा रिवर है जो उल्टी तरफ, यानी कि जनूब से जा रहा है, इसकी ये डायरेक्शन है, ये जा रहा है जनूब से शुमाल की तरफ। ये बाकी सारे के सारे दरिया जो है शुमाल से मगरब जनूब की तरफ जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा मगरब की तरफ भी जा रहे होते हैं और साथ में जनूब की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और जबकि मगरब वाले जो दरिया हैं वो मगरब से जनूब की तरफ जा रहे होते हैं, मगरब से मशरक और जनूब की तरफ, थोड़ा सा मशरक के भी मूव करते हैं और साथ में जनूब की तरफ इनकी ट्विल्टिंग होती है। तो ये असल में होता ज़मीन का ढलवान की तरफ होता है कि जो ढलवान होती है उसी तरफ पानी मूव करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह पाक ने इस तरीके से। तो बाकी जो दरिया यहाँ पे बलूचिस्तान में आते हैं ये हब है और ये दश्त इधर ही बहरा अरब में डायरेक्टली गिरता है। बाकी ये जो दरिया है हब ये भी डायरेक्टली खुद ही अपना रास्ता बनाता है। बाकी ये जो सिंध है बाकी सब दरियाओं को लिंक करके बहरा अरब में गिरता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे जो दरिया हैं उनके दरिया सिंध के मगरबी मुआवन दरिया, उनके बारे में हमने पढ़ना है। दरिया दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरब से बहते हुए दरिया सिंध में गिरते हैं। दरियाए शियोक, दरियाए शगर और दरियाए गिलगित शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया हैं जो दरिया सिंध से मिलते हैं। अटक के मकाम पर दरिया काबल दरिया सिंध में गिरता है। तो ये आपने याद रखना है कि अटक के मकाम पर एक तो सिंध जो है वो पंजाब में दाखिल होता है और यहाँ पर ही काबल का दरिया जो है वो सिंध के साथ लिंक कर जाता है, फाल कर जाता है इसमें। दरियाए काबल एक बड़ा दरिया है जो अफगानिस्तान से शुरू होता है और मशरक़ की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए पंजगोर, दरियाए सवात और दरियाए कंटर इसके अहम मुआवन दरिया हैं। यानी कि कौन कौन से इसके मुआवन दरिया हैं? दरियाए पंजगोर और दरियाए सवात और दरियाए कंटर, तीन दरिया इसके मुआवन है काबल के। दरियाए करम, दरियाए टोची और दरियाए गोमल भी मगरब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। दरिया जूब बलूचिस्तान के इलाके जूब लोअर अलाई से होता हुआ दरिया गोमल में जा गिरता है।
जो दरियाए सिंध का मोमिन दरिया है, और दरिया यहाँ भी ये पॉइंट याद रखना है, दरियाए जूब वो वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। इसके बाद बहिरा अरब में गिरने वाले बलूचिस्तान के कौन कौन से दरिया, जो मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया, बलूचिस्तान के दरियाए दश्त, हंकोल, पुराली और हब शुमाल से जनूब की तरफ बहते हुए बहिरा अरब में जा गिरते हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील हामून मशखेल है। तो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील क्या है? हामून मशखेल। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि नहरों का निज़ाम कैसे वजूद में आया और नहरें कितनी किस्म की होती हैं, कब उनमें पानी आता है। तो ये टॉपिक देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा चारों किस्में। बरसगीर में अंग्रेज़ हुकूमत ने 19वीं सदी इसी के आगाज़ में जदीद तरीन नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है। इस निज़ाम के तहत 5 दरियाओं पर मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बंद और हेडवर्क्स बांध कर नहरें निकाली गई हैं, यानी कि दरियाओं में हेडवर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे पानी रोका जाता है, और जब उसकी सतह बढ़ती है तो वो एक रास्ता उसको दिया जाता है जहाँ पे पानी की ज़्यादा मकदार जो ऊपर सतह होने की वजह से उसमें पानी चला जाता है। तो इस तरीके से जो पानी लिंक किया जाता है दूसरी साइड पर, डायरेक्शन दी जाती है, उसको नहरें कहते हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 अकसाम हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो है कि वो नहरों की हमने किस्में पढ़नी है, तुगयानी या सिलाबी नहरें। तुगयानी का मतलब क्या होता है कि जब सिलाब वगैरह आता है तो उस वक्त इनमें पानी आता है, बारिशों के मौसम में इनमें पानी आता है। ये वो नहरें हैं जिनमें पानी तुगयानी के ज़रिए आता है, और जब दरियाओं में पानी ज़्यादा होता है इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते, तो इनके हेडवर्क्स नहीं होते, यानी कि दरियाओं से लिंक करके पानी इनमें नहीं आता, बल्कि कुदरती तौर पर जब दरियाओं में पानी की सतह बढ़ती है तो ऊपर से होके इनमें फाल करता है, या फिर जो है बाकी जो नदी नाले हैं दरियाओं बारिश में पानी इकट्ठा होकर इनमें गिरता है तो ये बहना शुरू हो जाते हैं। मौसम बरसात में दरियाओं में तुगयानी आने से नहरें खुद ब खुद चलने लगती हैं। तुगयानी नहरें ज़्यादातर राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ़्फ़रगढ़ के इज़िला में वाक़ हैं। इसके बाद दवामी, तो दवामी होती हैं जो जिनको पेरिनियल कैनल्स कहते हैं, जो बहती रहती हैं, पूरा साल बहती हैं। ये नहरें दरियाओं पर बंद बांध कर निकाली गई और सारा साल चलती रहती हैं। बंद के ज़रिए दरिया का पानी रोककर ज़रूरत के मुताबिक उसे नहर में छोड़ा जा सकता है। ये नहरें डैम, बिराज या हेडवर्क्स के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल आबपाशी के लिए पानी मुहैया करती हैं। इसके बाद है गैर दवामी, यानी कि जो परमानेंट नहीं होती बल्कि 6 महीने चलती हैं। बरसात के मौसम में जब दरियाओं में पानी का काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है तो ये नहरें चलती हैं और खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। रबी और खरीफ, रबी बाहर की होती हैं और खरीफ जो खजां के मौसम में फसलें उगती हैं उनको खरीफ कहते हैं। दवामी नहरों की तरह गैर दवामी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं जिनके ज़रिए पानी को कम वेश किया जा सकता है। दरियाओं में पानी की कमी होने की वजह से रबी की फसल के लिए ये नहरें पानी मुहैया नहीं करती। इन नहरों को शशमाई नहरें, यानी कि 6 महीने वाले बहने वाली नहरें कहते हैं। राबता नहरें हैं, लिंक नहरें। सूबा पंजाब के 2 दरिया सतलज और रावी भारत के इलाकों से गुजर कहते हैं, जैसे आपको पहले बताया, और उनका पानी उधर भारत के इलाकों को चला जाता है और खाली हो जाता है। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राबता नहरें, यानी कि जो दरिया जिनमें पानी होता है उनसे पानी निकाल के इनमें डाला जाता है, और वो नहरें जो इन पानी लेके उन दरियाओं से रावी और सतलज की तरफ लेके आती हैं उनको नहरों को राबता नहरें कहते हैं, यानी कि 2 दरियाओं के दरमियान में वो राबता कायम कर देती हैं। मशरकी दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब से नहरें निकालकर मगरबी दरियाओं रावी और सतलज को पानी मुहैया किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। इसके अलावा हम जो है हमारे CSS की भी PMS की भी और जो है वो कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं कम फीस में, बगैर किसी हिलोज्जत के, कहीं ना हॉस्टल में जाने की ज़रूरत है। तो होल सिलेबस इंशाल्लाह वही शल कवर, और बाकी टिप्स वगैरह भी आपको CSS के मुतालिक, PMS के मुतालिक मुहैया किए जाएंगे। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह